भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति की ओर सहन नहीं करेगी। देखिए, राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? तो हम भारत की सभ्यता को ठेस पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। चाहे यूपी हो, चाहे असम हो, देश भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति की ओर सहन नहीं करेगी। यूपी में आज कांवर यात्रियों को सुविधा देने के लिए वहां की सरकार कहती है कि दुकान के मालिक अपने अपने नाम बोर्ड पे लगाएं। ये किस प्रकार का समाज तैयार करना चाहते हैं हम सब? क्या नाम के आधार पर हम निर्णय लेंगे? भारत में हमारे नाम से हमारी जात का पता चलता है, हमारे नाम से हमारे धर्म का पता चलता है, हमारे नाम से हम किस ट्राइब से आते हैं, किस जनजाति से आते हैं, उसका जानकारी पता चलता है। तो भाजपा ऐसा समाज बनाना चाहती है कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, जनजाति के आधार पर हम किसी दुकान के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या इस प्रकार के समाज में एकता रह सकती है? क्या इस प्रकार के समाज में शांति रह सकती है? क्या इस प्रकार के समाज में भाईचारा रह सकता है? क्या ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार है? और इसीलिए चाहे वो कांवर यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य हो या यहाँ पे असम में जो कर रहे हैं, लोग इसको पसंद नहीं कर रहे। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को मंगलसूत्र और भैंस की राजनीति करने के लिए पहले ही जवाब दे दिया है, और वही जवाब लोगों ने दोबारा बद्रीनाथ के निर्वाचन में दिया और भविष्य में केदारनाथ के निर्वाचन में देने वाले हैं। ये गलत है, और जो औपचारिक स्टेटमेंट होता है हमारे स्पोक्स पर्सन का, वो आ चुका है। लेकिन जो आप मुझसे पूछ ही रहे हैं, तो मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि चाहे वो कोई सामाजिक काम हो या कोई मजहबी काम हो, मजहबी यात्राएं निकलती हैं, हर मजहब के लोग अपने अपने किसी प्रमुख पर्व पर इकट्ठे होते हैं। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वो यही रही है कि हम लोग बढ़ चढ़ के एक दूसरे के ऐसे मौके पर एक दूसरे का की मदद करें, उनके साथ हिस्सा लें और उनके साथ पूरा सहयोग दें। ये हमारी सभ्यता है, और इस सभ्यता से हमको अलग क्यों किया जा रहा है ये बताया नहीं गया है। ये नहीं बताया गया है कि कोई परहेज है किसी को कि जब हम ऐसी यात्रा पर निकलेंगे, कांवड़ यात्रा पर निकलेंगे, तो हम किसी और मज़हब के किसी व्यक्ति के घर ना बैठ सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं। अगर मानिए कोई गर्मी का मौसम है, लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ बनाते हैं, तो वो भी ये पूछ के बनाएं कि हमारा मज़हब कुछ और है और हम आपके मज़हब के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हमको अलाउड है कि नहीं अलाउड है, वो ऐसा पूछें
तो हम भारत की सभ्यता को ठेस पहुंचा रहे हैं, बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे हैं। तब भी मैं ये कहता हूं कि अगर इसकी ज़रूरत समझी गई तो बताएं कि उसकी ज़रूरत क्यों समझी गई, ये बताएं तो कम से कम, और ये कहें कि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें हम आप लोगों की शिरकत नहीं चाहते हैं। देखिए, राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। आपको लगता है जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? अब ये समीक्षा का विषय होगा, अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, इस तरह के ऑर्डर लाते हैं। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था, मैं संतोष जी से कहूंगा। एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख लें ऑर्डर, ये ऑर्डर देख लें। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना, और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को भी। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? ये जो राजनीति है, राइट ऑफ इक्वलिटी की यदि आप बात करते हैं संविधान में, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो क्या कहता है कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है, समान अधिकार है। यदि ये वोट लगाना है तो हिंदुओं को भी वोट लगाना है, मुसलमान जिनकी जहां इच्छा होगी। ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप मुसलमान के यहाँ नहीं जाओ, ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है ईसाई के यहाँ नहीं जाओ। कहा जा रहा है कि ये दुकान के मालिक ये हैं, इसमें कौन सा गलत बात है? इस पर राजनीति भी हो रही है तो राजनीति करने वाले राजनीति करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो कानून का सम्मान करती है, जो कानून बनाया है अखिलेश यादव और मायावती ने, हम उसी को लागू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।